तो बच्चों अभी जो मैंने पढ़ाया था ना, वो पढ़ाया था ओवरऑल बीटा या बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना सीखा और बीटा का मतलब समझाया था। अब हमारे मुद्दे की बात है, मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। और मेन कॉन्सेप्ट ये हुआ, इसका अगला डॉट, मेन कॉन्सेप्ट जो हमको डिस्कस करना है, वो डिस्कस करना है हाउ टू हेज रिस्क यूजिंग स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर। आप इसको बीटा मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हो, हमारे हेडिंग ही डाल रखा है बीटा मैनेजमेंट। अब जितनी भी बातें हैं बिल्कुल ध्यान से आपको समझनी पड़ेगी, बिल्कुल ध्यान से। बीटा का मतलब अभी हमने समझा। अब मैं आपसे कहता हूं कि एक पर्सन है जिसका नाम है राम, ठीक है सर। और राम ने ना बेटे रिलायंस के शेयर खरीद के रखा है 5 लाख रुपए, शेयर खरीद के रखा है। क्या सोचता होगा कि शेयर का प्राइस बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। बढ़ोगे, बढ़ेगा तभी तो फायदा होगा। तो इसको ना हम अपने डेरिवेटिव के लैंग्वेज में लॉन्ग पोजीशन भी बोलते हैं, प्राइस बढ़ना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन। अच्छा, रिलायंस का बीटा है 1, मन से बोल रहा हूं 1। अच्छा, रिलायंस का बीटा है 1, इसका मतलब क्या हुआ था? अभी समझा कि सर इसका मतलब है अगर मार्केट 10% से डाउन होगा तो रिलायंस भी 10% से डाउन होगा। अगर मार्केट निफ्टी वगैरह कुछ भी ले लो 10% से अप होगा तो रिलायंस भी 10% से अप होगा, ठीक है। अब राम भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान प्लीज रिलायंस के शेयर का प्राइस बढ़ा दो, बढ़ाएगा तो फायदा। राम को कब नुकसान होगा? राम को लॉस तो तब होगा जब रिलायंस के प्राइस गिरेगा। और सिस्टमैटिक रिस्क, हालांकि फिर वो पोर्टफोलियो बीच में आ गया, पर फिर भी मैं आपसे ये बताता हूं, अगर पूरा मार्केट डाउन होगा तो रिलायंस पे भी तो फर्क पड़ेगा। अगर पूरा मार्केट डाउन होगा तो रिलायंस का बीटा 1 है तो रिलायंस भी उतने ही परसेंट से डाउन होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अभी मैंने सिंप्लिसिटी के लिए बीटा 1 रखा है, ठीक है। अब बेटे प्रॉब्लम ये है, इलेक्शन आने वाले आज से 2। अच्छा, इसका कोई ऑब्जेक्टिव राम का ऐसा नहीं है कि 10-20 साल के लिए रिलायंस कंपनी के शेयर रखना, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन आने वाले हैं तो यार इलेक्शन 2-3 माह में, मान लो 2-3 महीने में, तो इलेक्शन के बाद ऐसा हो सकता है, पता नहीं किसकी गवर्नमेंट क्या होता है। अब राम सोच रहा है यार इलेक्शन के बाद ये जो मार्केट है ना, हमारा स्टॉक मार्केट कुछ होगा यार, बहुत बड़ा सा होगा। अगर मार्केट गिरा ना तो ये सोच रहा मैं तो अब रिलायंस कंपनी के शेयर होल्ड करके नहीं रखूंगा, सिर्फ मसाला लगा कर बता रहा, लास्ट में आपको सारी बातें कंसाइज कर दूंगा एक साथ। बोले अगर मार्केट गिरा, गिर भी तो सकता है, इलेक्शन पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, पूरा मार्केट डाउन होगा। अब पूरा मार्केट डाउन होगा तो मेरा रिलायंस भी डाउन होगा, तो बोले मैं ना उस समय निकाल दूंगा शेयर, पता नहीं फिर उस शेयर में प्रॉफिट आगे कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, पता ही नहीं। हाँ, अगर मार्केट अप होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की वजह से फ्यूचर में फायदा होने वाला, तो शायद कुछ ज्यादा समय के लिए मैं रिलायंस के शेयर रख लूं। मार्केट बढ़ेगा तो भाई हो सकता है मुझे फायदा होगा तो मैं, लेकिन अगर मार्केट गिरा बहुत बुरे से तो मैं निकाल दूंगा शेयर। अब समस्या है, राम तो आज खड़ा है, जो प्रॉब्लम आने वाली वो तो 3 महीने बाद। अब बढ़ेगा तो कोई इश्यू नहीं है, बढ़ता तो बढ़ जाए फिर तो हम होल्ड करके रखेंगे, गिरेगा तो दिक्कत है। अगर गिरेगा तो दिक्कत ये है कि अगर मार्केट गिरेगा तो मैंने रिलायंस भी गिरेगा, और रिलायंस गिरेगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। राम तो परेशान है, करे तो क्या करे, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट की वजह से यहां दिक्कत पड़ने वाली है। अब किसी ने राम को एडवाइस दिया कि भैया जब ऐसा लग रहा है तो अभी बेच दो, फ्यूचर में अगर वैल्यू कम हुई तो आप तो बर्बाद हो जाओगे, 10% से गिरता है तो आपको 50,000 का लॉस होने वाला है ना, तो अभी बेच दो। मैंने कहा ठीक है, राम बोलता अभी बेच देता हूं ओके, और अगर बढ़ गया तो
और फिर तो मैं बढ़ता तो आगे, तो बोले जब बढ़ेगा ना तब खरीद लेना, अगर देखो अगले 3 महीने में अगर बढ़ जाएगा तब परचेस कर लेना, टेंशन खत्म। राम बोलता ठीक है, सही बोल रहे हो आप, लेकिन एक समस्या है, अभी बेचूंगा तो ब्रोकरेज, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बहुत सारी चीजें, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज वगैरह लगेगा, और फिर जब खरीदूंगा तब मुझे ब्रोकरेज वगैरह पैट करना, ये तो बेवकूफी है, अभी बेच के बाद में खरीदना है तो इतना सारा ब्रोकरेज वगैरह देना पड़ता है, इतनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, जो डिफरेंस होता है बाय और सेल का उसका क्या। जैसे गोल्ड भी सुनो बेटे, गोल्ड गोल्ड अगर हम बेचते हैं ना तो पूरे का नहीं बेचता, कुछ ट्रांजेक्शन कॉस्ट कट के बिकता है, और जब खरीदते हैं तो थोड़ा सा महंगा मिलता है, ठीक है, और उसमें जीएसटी वीएसटी अलग जोड़ दो, और इसमें हालांकि शेयर मार्केट में ऐसा कोई इश्यू नहीं है, पर फिर भी राम परेशान है, राम सोच रहा है करे तो क्या करे, इसका डर नहीं है, बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, डर है गिरे तो। अब और कोई दूसरा तरीका समझ में नहीं आ रहा है, राम अभी शेयर बेचना नहीं चाहता, ब्रोकरेज को ऐसा भी है कहीं ना कहीं मन में कि यार प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा, अभी क्या किया जाए। तो राम को और कोई समझा, तो भैया रहने दो, ऐसे ही रहने दो, दिक्कत क्या। बोले दिक्कत बस इतनी है, अगर मार्केट इलेक्शन के बाद बहुत ज्यादा डाउन हो गया तो फिर तो मुझे निकालना है शेयर, फिर तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये एक और समस्या है। अब क्या किया जाए, तो किसी ने और एडवाइस दिया, और एडवाइस ऐसी थी कि यार आप स्टॉक एक्सचेंज जाकर पता तो करो, शायद वहां बेटिंग की जाती है। बोले ठीक है, ये है स्टॉक एक्सचेंज। तो राम गया बेटी स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज से बोल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज सुनो ना, क्या आपके यहाँ बेटिंग की जाती है, शर्त लगाई जाती है। स्टॉक एक्सचेंज बोलता हाँ भाई शर्त लगाई जाती है, क्या लग रहा है। बोले मुझको ना अपने शेयर का छोड़ो, मुझे मार्केट पे शक हो रहा है। बोले अच्छा किस बात का शक है। बोले मार्केट कुछ भी हो सकता है, पर मुझे जो नुकसान है ना वो गिरने से, बढ़ने का तो दिक्कत नहीं है, बढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है, जो प्रॉब्लम है वो अगर मार्केट गिरेगा तो मेरा भी प्राइस गिरेगा। स्टॉक एक्सचेंज बोलता साफ साफ बोलो आपको लग क्या रहा। बोले लग ये रहा कि मार्केट गिरेगा। बोले ठीक है शर्त लगा लो। बोले ठीक है मैं शर्त लगा रहा हूँ, शर्त लगाने का कोई पैसा नहीं देना है, वो मार्जिन वार्जिन वो बाद में देखेंगे, ठीक है। बोले ठीक है मैं शर्त लगा रहा हूँ 5 लाख रुपए से, ठीक है, और शर्त ऐसी लगी है कि मार्केट 10% से डाउन हो जाएगा, ऐसे बोल दो कि मार्केट 5 लाख रुपए से डाउन हो जाएगा, शर्त लगा लिया आज मार्केट। मार्केट मतलब सर, मार्केट मतलब क्या हुआ, निफ्टी ले लीजिए, सेंसेक्स ले लीजिए, मैं आपको निफ्टी और सेंसेक्स समझा चुका हूं कि निफ्टी गिर जाएगा, शर्त लगी। अच्छा स्टॉक एक्सचेंज कहता ठीक है भैया शर्त लगा लिया बहुत अच्छी बात है, और फिर भी राम पूछता कि सुनो स्टॉक एक्सचेंज मुझे फायदा कब होगा। बोले यहां की बात करो तो निफ्टी अगर गिरेगा ना तो आपको फायदा हो जाएगा। राम बहुत खुश, बोले अब तो कुछ भी हो जाए, अगर निफ्टी गिरेगा, मार्केट गिरेगा तो बीटा वन है, रिलायंस भी गिरेगा, चिंता की बात नहीं, रिलायंस गिरेगा तो मुझे लॉस होगा ओके, पर निफ्टी के गिरने से मैं तो प्रॉफिट कमा लूंगा, क्योंकि मैंने किस साइड बेटिंग किया है, मैंने किया है डाउन साइड बैटिंग। सर डाउन साइड बैटिंग को अच्छी लैंग्वेज में शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन ले रखा है, ठीक है। अब मान लो बेटे किस्मत खराब, इलेक्शन के बाद वाकई निफ्टी 10% से गिर गया, अगर निफ्टी 10% से गिरा तो बीटा वन है, रिलायंस भी 10% से गिरा, और रिलायंस 10% से गिरा तो मेरा जो रिलायंस के शेयर का वैल्यू था वो 4,50,000 हो गया, वैल्यू चेंज हो गया 4,50,000। मैं बहुत परेशान हूं कि यार मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू पहले 5 लाख था लेकिन शेयर का प्राइस कम हो गया उसकी वजह से 4.5 लाख ही है। पर स्टॉक एक्सचेंज से फोन आया, बोले क्यों परेशान हो। मैंने कहा ऐसा हो गया। बोले सुनो आप जीत गए भाई। मैंने कहा क्या बात कर रहे। बोले हाँ आपका तो शॉर्ट पोजिशन है, आपने कहा था गिरेगा और वाकई निफ्टी गिर गया, तो आप 10% जीत गए और अपना 50,000 रुपए ले जाइए। मैं बहुत खुश, और मैंने स्टॉक एक्सचेंज से 50,000 रुपए लेकर आ गया, तो वाकई मेरा पोर्टफोलियो कितना हो गया, 5 लाख। सर आप तो बोल रहे थे शेयर बेच देंगे, चलो बेच भी दो तो 4.5 लाख बेचने पे मिलेगा और 50,000 रुपए आपको इधर से कैश मिल जाएगा, तो आपके पास तो कैश 5 लाख ही आ गया, थोड़ा सा ब्रोकरेज चार्ज ले लेना वो अलग मैटर है। अच्छा पर मैं बेचता नहीं भी हूं तो भी तो मेरा पोर्टफोलियो 5 लाख है ही, शेयर का प्राइस जरूर डाउन हो गया पर कैश भी तो आ गया इधर से, ठीक।
वाह कितना अच्छा हुआ। अच्छा सर, अगर मान लो अपोजिट हो जाता, मार्केट बढ़ जाता, तो बेटा मेरा पोर्टफोलियो भी बढ़ जाता। पोर्टफोलियो का वैल्यू, क्योंकि बीटा वन है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और मैं बहुत खुश। मैंने कहा यार आज जो शेयर 5 लाख के हैं थे 3 माह पहले, आज तो 5,50,000 के हो गए। मैं बहुत खुश, मैं तो कमा लिया, 5,50,000 वैल्यू हो गया। इधर से फोन आया, बोले सुनो सुनो आप हार गए हो, क्योंकि ये बढ़ गए और आपने किस साइड बेटिंग किया था, डाउन साइड। मैंने कहा ठीक है भाई ले जाओ। कितना ले जाओगे? 50,000। चलो दे दे दिया, तो भी तो मेरा पोर्टफोलियो कितने का बचा है? 5 लाख का। 50,000 रुपए दे दिया। सर तो ये एक्चुअल प्रॉफिट दिख रहा है कि आपको? पांच बेटे नोशनल प्रॉफिट, पर अभी मैं बात कर रहा हूं अपने पोर्टफोलियो के वैल्यू की, तो भी तो 5 लाख बचा हुआ है, फिर आगे मैं कमा लूंगा, कोई इश्यू नहीं है। इट मीन्स मेरा डर तो खत्म हो गया। मैं यहां अगर खड़ा रह के सोच रहा था कि मार्केट डाउन होगा, मार्केट डाउन होगा, हो जाने दो डाउन, अब क्या दिक्कत है। अगर मार्केट डाउन होता है तो मेरा पोर्टफोलियो भी डाउन होगा, ठीक है, पर इधर डाउन होने से मैं प्रॉफिट भी तो कमा लूंगा। इट मीन्स मैंने हेज कर लिया, टेंशन खत्म। हेज कर लिया, किसको हेज कर लिया? सर मैंने पोर्टफोलियो की वैल्यू को हेज कर लिया कि डाउन नहीं होगा। किसके थ्रू हेज कर लिया? स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर मतलब निफ्टी, निफ्टी फ्यूचर पे। तो बात वही है, ये सारी चीजें आपको समझना है कि स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में अपोजिट करना है। अगर मेरा यहां कौन सा पोजीशन है लॉन्ग, तो इधर क्या कर दूंगा मैं? शॉर्ट। और सर अगर इधर शॉर्ट रहता तो वो भी समझा दूंगा, अपोजिट है, इधर शॉर्ट तो उधर लॉन्ग हो जाएगा, पर अभी धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है? तो कहते क्या, पहली बात आप समझ लो, हमको डर किस बात का है? सर डर एक ही बात का है कि कहीं मार्केट गिरे ना, और जिस बात का डर है चलो उसी पे प्रॉफिट कमाते, दिस इज हेजिंग। जिस बात का डर है उसी से प्रॉफिट कमा लेते, तो बस इसी को आप हेजिंग बोलते हो। हालांकि ये करेंसी फ्यूचर में भी मैंने डिस्कस किया है या करूंगा, तो चलो इसको एक बार लिखते हैं और फिर धीरे धीरे सारी बातें समझ लेते हैं कि है क्या। बेटे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने कहा इसको समझने में, बस मेरा साथ दे दो, थोड़ा सा आप लिख लेते, फिर मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ। इसके पीछे फॉर्मूला भी है जो आपको यूज करना, और फॉर्मूले का लॉजिक भी है। तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर वन, वी नो दैट बीटा बीटा इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न ऑफ स्टॉक एंड रिटर्न ऑफ मार्केट। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, सपोज वी हैव स्टॉक ऑफ रिलायंस, जिसको मैं पोर्टफोलियो बोलूंगा, ₹5 लाख एंड बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या लिया था हमने? वन। तो 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो हमने खरीद रखा है, और बीटा पोर्टफोलियो कितना है? वन। इट मीन्स इफ
मार्केट फॉलिंग, मार्केट गिरेगा, गिर रहा है बाय 10%, देन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो विल फॉल बाय 10%। पॉइंट नंबर थ्री, वी एफ्रेट, हमको डर है फ्रॉम मार्केट फॉलिंग, वी अफ्रेट फ्रॉम मार्केट फॉलिंग, मार्केट के गिरने का डर है, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो हमारा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो भी कम हो जाएगा। देन वी वॉन्ट टू हेज अवर पोर्टफोलियो टू डिक्रीज, डिक्रीज होने से हम हेज करना चाहते हैं, हेंस वी टेक शॉर्ट पोजीशन। डाउन साइड बैटिंग ऑन स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर, दैट इज निफ्टी और सेंसेक्स, हेंस वी टेक शॉर्ट पोजिशन ऑन स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर दैट इज निफ्टी और सेंसेक्स टू मेक प्रॉफिट। अगर सीधी सीधी बात करूं, जिस बात का डर है उसी से प्रॉफिट कमाना, यही तो कर रहे हैं, जिस बात का डर है उसी से तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब होगा क्या अल्टीमेटली, पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर ना ऊपर लिखता हूं ज्यादा अच्छा, मेरे ख्याल से ऊपर वाला लिख लिया होगा आपने। पॉइंट नंबर फोर, इफ मार्केट फॉल्स बाय 10%, सपोज मार्केट गिरता 10% से, देन वी लूज, हमको लॉस हो जाएगा, किस पर, ऑन लॉन्ग पोजिशन ऑफ स्टॉक, क्योंकि मार्केट के गिरने से हमारा पोर्टफोलियो भी गिरेगा तो हमको लॉस हो जाएगा, बट वी मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट कमा लेंगे, किस पर, ऑन शॉर्ट पोजीशन ऑफ स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर।
तो कोई शक ही नहीं है भाई, एक जगह लॉस होगा, नेक्स्ट फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन, वहां से हम प्रॉफिट कमा लेंगे। अल्टीमेटली हमारा रिस्क जो है वो खत्म हो जाएगा। अब बात और कुछ आती है इसमें, बस वो आपको समझाना है, बाकी फिर तो चैप्टर में कुछ रखा नहीं है, एक एग्जांपल करेंगे, सारी बातें समझ में आ जाए। सपोज पॉइंट नंबर 5, एग्जाम में क्या पूछेगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पूछेगा, और उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। पहले वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी बॉट आर सोल्ड इज कैलकुलेटेड एज अंडर। और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ना मैं एक्स बोलता हूं, एक्स इज इक्वल टू वीपी माइनस इनटू बीटी माइनस बीपी डिवाइडेड बाय एफ इनटू एम इनटू बी एफ। सर ये क्या है भाई, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बेटे बिल्कुल आ जाएगा, सारी चीजें समझा दूंगा, पहले इसको लिख लेता हूं। ये क्या चीज है, वीपी का मतलब हुआ वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, बीटी का मतलब टारगेट बीटा, इफ नॉट गिवन, इसको इधर लिख देता हूं भाई, ब्रैकेट में लिख देता हूं, इफ नॉट गिवन एज्यूम जीरो। क्यों जीरो, मैं बता दूंगा, दिस इज परफेक्ट हैचिंग की मैं बात करूंगा। सर बीपी का मतलब क्या हो गया, बीपी का मतलब होता है बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, जो आपने निकालना सीखा है। सर एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है फ्यूचर प्राइस ऑफ स्टॉक इंडेक्स, ठीक है, मतलब निफ्टी और सेंसेक्स का फ्यूचर का प्राइस हो गया। सर एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लायर, या फिर हम इसको लॉट साइज बोलेंगे। और बी एफ का मतलब क्या हो गया, दिस इज बीटा ऑफ फ्यूचर, मतलब मार्केट, और मार्केट का बीटा क्या मानते हैं, इफ नॉट गिवन एज्यूम वन। बस अब ये फॉर्मूला समझना है और बात खत्म करना है, और मेरा पूरा फोकस ये फॉर्मूला समझाने पे रहेगा, पूरा लॉजिक के साथ समझाऊंगा, ठीक। तो बस ये फॉर्मूला आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से मेरी बातें समझते जाना, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। बेटे मान लो वही रिलायंस का शेयर, और अभी मेरे पास रिलायंस के शेयर की वैल्यू कितनी है, 5 लाख, ठीक है सर 5 लाख, और इसका बीटा कितना है, मैं अब इसको चेंज कर रहा हूं टू। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर रिलायंस मार्केट 10% से गिरेगा तो ये 20% से गिरेगा,
और मेरा पोजीशन कौन सा है यहाँ सर? आपका पोजीशन है लॉन्ग पोजीशन। तो बेटे मुझे निफ्टी या सेंसेक्स में कौन सा पोजीशन लेना पड़ेगा सर? शॉर्ट पोजीशन लेना पड़ेगा, शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। ओके, अब सवाल ये है कि मान लो कि मार्केट 10% से गिरता है, मार्केट 10% से, तो बताओ ये कितने परसेंट से गिरेगा? 20% से। तो मैं निफ्टी में कितना पैसा लगाऊं, निफ्टी में कितना डाउनसाइड बेटिंग करूं कि इससे जो प्रॉफिट आएगा वो इसको कवर कर लेगा? फिर से समझना, इधर कितना रुपया लगा है? 5 लाख। 5 लाख लॉन्ग पोजीशन है, बीटा है 2। अगर वो 10% से गिरा तो ये 20% से, तो उधर कितना लगाऊं? सुनो ध्यान से, अगर बीटा 1 होता तो 5 लाख ही लगाता है इक्वल। अब बीटा 2 है तो आखिर उधर कितना पैसा लगाया जाए कि उधर से जितना प्रॉफिट हो और इधर से जो लॉस हो दोनों इक्वल आ जाए। मतलब मैं बीटा 0 चाहता हूं, रिस्क पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूं, जिसको हम कंप्लीट हेज बोलेंगे या जिसको हम परफेक्ट हेज बोलेंगे। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कितना पैसा लगाए। और निफ्टी का बीटा क्या होता है सर? निफ्टी का बीटा या मतलब बीटा और फ्यूचर तो हमेशा मार्केट का बीटा 1 ही होता है, अगर भगवान ना करे कुछ दिया हो तो। वैसे कुछ नहीं देगा, टेंशन मत लो। आखिर कितना पैसा लगाऊं? एक कॉमन सेंस बताऊं, 5 लाख इंटू 2 कितना होता है? 10 लाख। सोचो बेटे, अगर मैं यहां 10 लाख लगाता हूं, 5 लाख इंटू 2 10 लाख, और कौन सा साइड? डाउन साइड। तो 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। और यहां क्या आ गया? 5 लाख का 20%, तो 1 लाख रुपए का लॉस, खत्म। पर फिर भी थोड़ा सा हम इसको डेरिवेशन पे जाएंगे, डेरिवेशन से समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। समझोगे ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा ये कहना है अगर मार्केट 10% से गिरेगा तो बताइए कितना पैसा लगाए। ये एक्स क्या होता वो बाद में समझेंगे, पहले ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरा क्या कहना है भाई, इधर का और इधर का इक्वल हो, इधर कितना हो सकता है? इधर का मैं लॉस देख रहा हूं 5 लाख, ठीक है। 5 लाख इंटू 10%, 10% क्यों? क्योंकि 10% से गिरेगा तो इधर सर 10 से थोड़ी, 10 का डबल 20%, ठीक है। तो इतने रुपए का इधर लॉस होगा, इधर कितना पैसा लगाना? एक्स मतलब कितना पैसा लगाना है, इंटू 10% इंटू बीटा कितना? 1, ये 1, ये 2, दोनों को इक्वेट करना है। तो क्या एक्स की वैल्यू निकल सकता है? अगर मैं एक्स पे जाता हूं पांच लाख इंटू 10% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10% इंटू 1, 10 से 10 काट देता हूं तो फाइनली, सॉरी यहां 2 है, 2/1, तो फाइनली क्या आया? 5 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 10 लाख ही आएगा। सर ये बताओ ये क्या था? ये था वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, सर ये क्या था? ये तो 10 वैसे भी वैसे ही काट दो, फर्क नहीं पड़ेगा। सर ये क्या था? ये 2, दिस इज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। ये तो एक्स निकालना है, कितना रुपया लगाना वो छोड़ो। सर ये 1 क्या है? दिस इज बीटा ऑफ फ्यूचर। तो अगर मैं फॉर्मूला, अभी अधूरा फॉर्मूला, धीरे धीरे मैं बात पे आऊंगा, अगर मैं एक्स के फॉर्मूले पे पहुंचूं कि कितना रुपया लगाना है, तो कितना रुपया लगाना है एक्स, ये ऊपर आया था वैल्यू पोर्टफोलियो इनटू बीटा पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ फ्यूचर। अगर मैं अभी अधूरे फॉर्मूले की बात करूं तो अभी अधूरा फॉर्मूला ये निकल के आया, हालांकि मैं इस फॉर्मूले पे अभी आराम से पहुंच जाऊंगा। किस तरह से पहुंचूंगा मैं बात करूंगा, ठीक है। सर सीधी सी बात बोल सकते हो ना, इतने फॉर्मूले की जरूरत ही क्या है? अगर बीटा 3 होता तो 5 लाख इंटू 3 15 लाख लगाते, बिल्कुल सही। सर अगर बीटा होता 1.5 तो 5 लाख इंटू 1.5
7.5 लाख रुपए लगाते। हाँ, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं देखूं तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो को मैं बीटा पोर्टफोलियो से मल्टीप्लाई करूं, और तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। हाँ, पर एक समस्या है, वो समस्या के कारण मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अब कभी कभी क्या होता है, अभी मैं यहां 2 ही रख रहा हूं, 2। अब मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई आप क्या जीरो करना चाहते थे? यस, हम रिस्क को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। अब मैं ये बोल रहा हूं कि सुनो सुनो, अब मैं रिस्क को पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहता। जो बीटा है ना, 2 2 को रिस्क थोड़ा सा लेना चाहता हूं, थोड़ा सा कम करना चाहता हूं। अच्छा, अभी तो बहुत ज्यादा रिस्की है भाई, डबल। मैं कहता हूं इसको 1 करना चाहता हूं। इसका मतलब अगर बढ़े, ये बढ़े हो क्या रहा, ये बढ़ रहा तो ये भी उतने से बढ़ रहा, तो इधर बहुत पूरा की पूरा जीरो हो रहा। मैंने कहा सुनो, ये बढ़े तो इधर तो प्रॉफिट बहुत सारा हो, पर इधर लॉस थोड़ा सा हो। इसका मतलब थोड़ा सा मैं कमाना चाहता हूं, लेकिन सुनो, अगर गिरेगा तो ये ज्यादा गिरेगा और ये थोड़ा सा गिरेगा। मतलब मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता हूं। मैं अपना टारगेट बीटा 1 करना चाहता हूं। अब समझोगे ठीक से मैं क्या करना, सर क्या करोगे? बेटे मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 लाख, ठीक है जी, 5 लाख बिल्कुल सही, इनटू 10% वो डाउन होगा, इनटू बीटा कितना है ऑलरेडी, 2। मैं पूरा कवर नहीं करना चाहता, मैं पूरा जितना लॉस हो रहा है उतना यहां नहीं लिख रहा हूं, उसका आधा ही लिख रहा हूं, 1 से माइनस कर दिया मैंने, ठीक। और यहां कितना, x इंटू 10% इंटू 1, 1 का मतलब बीटा ऑफ फ्यूचर। अगर मैं 10 से 10 काट भी देता हूं, इसको लिखने का मतलब ही नहीं बनता। तो अब जरा x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, ये वाला ऐसे नीचे आ जाएगा। सर एक बात बताऊं, ये 1 क्या था? अगर मैं इसको नोटेशन दे दूं तो ये था वैल्यू। सर ये क्या है? ये था मेरा बीटा पोर्टफोलियो, और ये क्या था? ये था टारगेट बीटा, और ये क्या था? ये था बीटा ऑफ फ्यूचर। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला ये बना, 5 लाख यहां लिखा था ना, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो माइनस टारगेट बीटा डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ फ्यूचर। अब समस्या क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं कि कितना पैसा लगाएगी। एक बार मैं देख ही लेता हूं ना, कैलकुलेशन समझ में। सर 5 लाख लगाएगी, ठीक है, सीधी सीधी बात, कितना दिख रहा, 5 लाख ही दिख रहा है। अगर मैं यहां 5 लाख का शॉर्ट पोजीशन ले लेता हूं, मान लो 5 लाख का शॉर्ट पोजीशन ले लिया, ये गिरा 10% से, तो 5 लाख का 10% मेरा तो प्रॉफिट हो गया, कितने का, 50,000। अगर ये 10% से गिरा तो ये 20% से गिरा, तो मेरा तो लॉस हो गया, कितने का, 1 लाख। तो अल्टीमेटली क्या है सर, अल्टीमेटली तो हमको लॉस ही तो है। अगर इन दोनों को टोटल मारो तो ओवरऑल सिचुएशन कितना आ रहा है, लॉस कितने का, 50,000 का। और कितने रुपए पे लॉस आ रहा है, 5 लाख पे, इनटू क्या हो जाएगा, 100। तो जरा परसेंटेज बताओ, 10% का लॉस। और ये कितने से गिरा, ये भी 10% से गिरा, ओहो। तो इसका मतलब है कि मार्केट 10 से गिरता है तो ये भी 10 से गिरता है, मतलब मेरा बीटा अचीव हो गया 1। बस फॉर्मूले का लॉजिक ये है। हालांकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब इसमें ऐसा लिख रहा है तो ये पॉजिटिव आता है, जबकि हमको पोजीशन कौन सा लेना, शॉर्ट। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि यार माइनस में आएगा तो शॉर्ट, और प्लस में आएगा तो लॉन्ग, ऐसा कुछ हम बनाते हैं लॉजिक। तो इसलिए ना हम फॉर्मूले में ये थोड़ा सा चेंज कर देते, पहले लिख देते टारगेट बीटा और फिर लिख देते बीटा पोर्टफोलियो। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमको पता लग जाता है और फिर हम काम सेट कर लेते। अगर माइनस में आया तो फिर हम शॉर्ट कर देंगे, डाउनसाइड बेटिंग, और प्लस में आया तो हम क्या कर देंगे, लॉन्ग। इसलिए जो फॉर्मूला बना है, अगर मैं फॉर्मूले पे जाऊं प्यो,
तो फॉर्मूला ऐसे बना हुआ, अगर फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला ये हो गया, एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू टारगेट बीटा, पहले लेते कितना बीटा रखना है आपको, माइनस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ फ्यूचर। अभी और दो बात नहीं किया मैंने, बस अभी ये निकाल रहा हूं कि कितना पैसा लगाना है, फिर बताऊंगा कितने कॉन्ट्रैक्ट करना, वो ऑटोमेटिक समझ में जाएगा। सर अच्छा एक बात बताओ, ये सब छोड़ो एक्स, सर मान लो हमको टारगेट बीटा जो है वो 1.5 रखना है, 1.5। तो अब बताओ कितना पैसा लगा है। हाँ मतलब हम रिस्क बीटा 2 है अभी, इसे थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, 1.5 करना चाहते, तो भी दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले में चेक करो, 5 लाख इंटू टारगेट बीटा कितना रखना है 1.5, और पोर्टफोलियो कितना था 2, और बीटा ऑफ फ्यूचर की बात करो तो बीटा ऑफ फ्यूचर कितना आ गया, ये तो 1 ही है, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 5 लाख इंटू 0.5। माइनस में आया 2,50,000, और माइनस में आया तो क्या कर देंगे हम, शॉर्ट। सर ठीक है अब ये बताओ, ये तो आपने निकाल लिया, क्या आपका बीटा 1.5 अचीव हो जाएगा? हाँ बेटे हाँ। कैसे होगा सुनो, अगर ये 10% से गिरा तो मेरा फायदा कितने का हो जाएगा, 25, पर ये 10% से गिरेगा तो ये 20% से गिरेगा, तो मुझे लॉस हो जाएगा कितने का, 1 लाख। मैं डाउन साइड ले रहा हूं, आप अप लेकर भी सोच सकते, तो उस हिसाब से मेरा नेट लॉस कितने का है, 75,000। कितने पे, 5 लाख, 5 लाख का पोर्टफोलियो था तो वैल्यू कम हो गया ना पोर्टफोलियो का, इनटू 100, तो परसेंटेज बता सकते हो कि कितने परसेंटेज का नुकसान हो रहा है, 75,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इनटू 100, 15% का लॉस हो गया। इसका मतलब है कि अगर मार्केट 10% से गिरता है तो मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू 15% से गिरा, मतलब मेरा बीटा अचीव हो गया, 15% डिवाइडेड बाय 10%, मार्केट 10 से तो ये 15 से, तो बीटा कितना अचीव हो गया, 1.5। ठीक है यहां तक बात समझ में आई है? हाँ सर थोड़ा बहुत फॉर्मूला हमको समझ में आ गया कि कैसे काम करना है, बिल्कुल मैं फॉर्मूले के पीछे जाना, धीरे धीरे काम करना, ठीक है। तो फाइनली अभी तक ये समझ में आया कि कितना पैसा लगाना है, और कितना पैसा लगाना है उसका मैंने आपको बता दिया, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू टारगेट बीटा माइनस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, और फिर यहां बीटा ऑफ फ्यूचर, यहां 1 होता ये ना भी लिखो तो चलेगा, लेकिन लेकिन बाय चांस क्वेश्चन में कुछ और दे दे, मार्केट का बीटा 1 ही होता है पर हो सकता 0.9 दे दे तो आप फंस जाओगे, ऐसा कभी क्वेश्चन में आया नहीं, पर फिर भी एक्चुअली ना मार्केट फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर में थोड़ी, रिलायंस फ्यूचर में भी मैं काम कर सकता हूँ हेजिंग, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, पर फिर भी फॉर्मूले में रख लो ज्यादा अच्छा। तो फाइनली अगर मैं कहता हूं मुझे परफेक्ट हेज करना, तो टारगेट बीटा कितना रखूंगा मैं, 0, ठीक है। अभी तो कितने रुपए का हेज करना है मुझे, 2.5 लाख रुपए, मुझे 2.5 लाख रुपए शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब सवाल ये होता है, 2.5 लाख रुपए निकल गए आपका, सवाल ये होता है कि हम 2.5 लाख रुपए शॉर्ट करने वाले हैं, हम डाउनसाइड बेटिंग करने वाले हैं निफ्टी में, तो अब मैं बोल रहा हूं कि निफ्टी का मतलब शेयर समझ लो, मान लो बेटे मैं गया स्टॉक एक्सचेंज, मैंने कहा सुनो स्टॉक एक्सचेंज भाई निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है वैसे, फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर निफ्टी का, उनका कहना 500 रुपए चल रहा है भाई, 500 पॉइंट्स में होता है वैसे तो, 500 पॉइंट्स फ्यूचर का। मैंने कहा ठीक है, एक निफ्टी, बोले एक वेक निफ्टी नहीं मिलता आपको, लॉट में मिलता, और एक लॉट में कम से कम आपको 50 निफ्टी खरीदना ही पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब एक निफ्टी कितने का चल रहा है, 500 रुपए का, 500 रुपए मान के चलो, 500 रुपए का, 500 रुपए, रुपए लिख देता हूं, और कितना एक लॉट में कितना निफ्टी, 50। मैंने कहा यार मुझे तो 2,50,000 रुपया लगाना है पे बेटिंग करना है, तो बोले ठीक है दिखा दो आपको कितने नंबर ऑफ लॉट्स या कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने कहा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे, सुनना ध्यान से। मैंने कहा यार कितना रुपया लगाना है भाई, इधर
2,50,000, ठीक है। 2,50,000 और एक का प्राइस कितना है? 500। तो क्या नंबर ऑफ शेयर्स निकल सकते हैं या नंबर ऑफ निफ्टी निकल सकता है? यस, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 500। तो मुझे कम से कम 500 निफ्टी खरीदना पड़ेगा, 500 निफ्टी। और एक एक लॉट में कितना निफ्टी? 50। तो बता सकते हो कितने लॉट्स खरीदना पड़ेगा? आराम से सोचना। 500 निफ्टी खरीदना है और एक बैग में, एक बैग लॉट मतलब बैग समझ लो, एक बैग में 50 आएगा। तो 500 के लिए कितने बैग्स लगेंगे? 10। मतलब यहां डिवाइड किससे करना पड़ेगा? लॉट साइज 50। तो 500 माइनस डिवाइडेड बाय 50, तो मुझे 10 बैग, 10 लॉट साइज, 10 कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तभी बात होगी। कैसे निकाला? मैं फिर से बोल रहा हूं, 2,50,000 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले किससे किया? 500। तो ये आंसर आ गया। और फिर उसको डिवाइड किया किससे? 50। तो 10 कॉन्ट्रैक्ट आ गया। क्या मैं सीधा भी कर सकता हूं? हाँ सर, 2,50,000 डिवाइडेड बाय, आप 500 से अलग डिवाइड कर रहे हो, 50 से अलग डिवाइड कर रहे हो, तो क्यों ना एक साथ ही मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। यहां बात तो एक ही है, एक बार 500 से डिवाइड, फिर 50 से डिवाइड, तो सीधा सीधा डिवाइड कर सकते हो ना। हाँ सर, ये क्या था? ये तो पता नहीं 2,50 आया था, कैसे आया था? ये क्या चीज है आखिर? सर ये है निफ्टी का प्राइस, फ्यूचर का एफ। और ये 50 क्या चीज है? दिस इज लॉट साइज एम मल्टीप्लायर। तो अगर मैं अपने फॉर्मूले की बात करूं, तो अब सुनना, एक्स का मतलब मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ लॉट साइज, कॉन्ट्रैक्ट कैसे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालूंगा। तो मैंने सबसे पहले लिया था वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू टारगेट बीटा माइनस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, और यहां आया था बीटा ऑफ फ्यूचर। यहां तक तो अच्छा खासा चल रहा था, तो ये 2,50,000 आ गया था मेरा। बस इस 2,50,000 को, मुझे 2,50,000 को दो चीजों से और डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? एफ और एम। तो फाइनली मेरा यही फॉर्मूला बना, ठीक है। अगर इसको मैं लिखूं तो 5,00,000 इनटू टारगेट बीटा कितना रखना था? हमारा टारगेट था 1.5 माइनस 2 बीटा पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय एफ। कितना था बेटे? 500 इनटू मल्टीप्लायर 50 इनटू 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 कॉन्ट्रैक्ट्स। और क्या जाएगा ये? शॉर्ट। तो एग्जाम में क्या पूछता है? एग्जाम में बस बेटे ये छोटी सी चीज पूछता है कि बताइए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने, हेज करने के लिए शॉर्ट करना है कि लॉन्ग करना है। अगर आपका आंसर आ रहा है माइनस में, माइनस में, तो क्या कहलाएगा? क्या करना है आपको? शॉर्ट। और अगर आंसर आ रहा है प्लस में, तो क्या करना है? लॉन्ग। सर लॉन्ग क्यों करेंगे बेटे? कुछ लोग बड़े इंटेलिजेंट होता है, इधर तो रिस्क है ही है, जब बढ़ने वाला है ना प्राइस, तो चलो उधर भी लॉन्ग कर लेते, डबल डबल कमाने का सोचते। तो भाई ठीक है, दोनों तरफ से खेल सकते हो। आपको ज्यादा रिस्क लेना है तो आप ज्यादा भी काम कर सकते हो। तो अभी मैंने फॉर्मूला कैसे बना ये समझाया है, इस फॉर्मूले से ही अब हमको सारा काम करना है। एक क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, बेहतरीन क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 47 ही, 46 है सॉरी, और क्वेश्चन नंबर 46 से सारी बातें समझेंगे कि क्या क्या है करके। अभी कुछ समझाया नहीं, अभी सिर्फ आपको डेरिवेशन समझाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 में सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि क्या लॉन्ग क्या शॉर्ट क्यों कर रहे हैं।